प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदो किया है जो कि बोल्ड भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं। मेरी मुराद मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझती हैं कि कामयाब होने के लिए किसी खातून को किसी टैलेंट की ज़रूरत होती है? ये असल में अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पे हो जाए हम उसको अकलमंद समझते हैं। मौजूदा दौर की शायरात में आपकी पसंदीदा शायरा, एक नाम लेना है आपने। मुझे सारी शायरात पसंद है, मुझे ये तो अब आप मसलहत से काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने फीलिंग्स है ना, सब लोगों को बराबर दी। अच्छा, क्या बुनियादी तौर पर आप एक फेमिनिस्ट हैं? कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो इस मोहब्बत का आपकी शायरी में कितना अमल दखल है? बहुत सारा है। नाकाम मोहब्बत का या कामयाब मोहब्बत है? अगर शादी हो जाए तो नाकाम ही हो जाती है वो। अच्छा, ये जितनी कंट्रोवर्सीज, तो ये क्या है, ये आपकी जात से क्यों इतनी मंसूब है? इसलिए कि उसी चीज का इनकार होता है जो होती है। अच्छा, हम हर जो बड़ा अदब है या बड़ी शख्सियत, उसको मरने के बाद ही क्यों तस्लीम करते हैं? देखिए, हम लोग लोगों को मानते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो अदब में कोई एलीट क्लास का वजूद कुछ अरसा से वजूद है, इसको ऐसा कि कोई एलीट क्लास है अदब में भी मौजूद है? अब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगी तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है? तो हर बंदे ने अपने आप को कोई ना कोई मकाम खुद ही दे लिया। तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, मैं अपनी जात के अंदर मलंग हो गई हूँ। क्या बात है।